ये भी जान लीजिए आपकी, आपको ये नॉलेज में आपको ये चीज़ देखना होगा कि किस चीज़ के बिक्री का समय है जो है। जैसे मान लीजिए आप कपड़े के दुकानदार हैं, तो आपके पास तो बहुत सारा प्रोडक्ट है, साड़ी है, सूट है, शर्टिंग है, सूटिंग है, जो है बेडशीट है, चदरा है, मच्छरदानी है, जो है अंडरवियर, गंजी, बनियान, सब कुछ जो है आप कुछ अगर रखते हैं, लेकिन इसमें भी आपको ये चीज़ गौर करना होगा कि कब कौन सा सामान बिक रहा है जी, कुछ पैसा हो जाएगा जो है। एक हमारे सब्सक्राइबर्स आते थे जो है, उन्होंने कमेंट किया था कि मैं आज 3-4 साल हो गया और जो है मैं दुकान किए जो, लेकिन जो है आज तक जो है पैसा जो है एक पैसा भी नहीं बचा पाया हूँ, अपने घर पे जो है एक पैसा भी नहीं दे पाया हूँ। तो बेचारे बहुत सस्पिशन में थे, बहुत डिस्टर्ब थे जो है। उनके मैसेज को मैं पढ़ा जो है, तो मुझे लगा जो है, तो देखिए इस कपड़े के बिज़नेस बहुत बढ़िया कपड़े का बिज़नेस है। हर कस्टमर आता है तो 15% मार्जिन दे करके जाता है। अगर मान के चलिए कोई 200 रुपये का कपड़ा लिया तो आसानी से इसमें 30-35 रुपये बच जाना है। अगर आपके पास जो है 3,000 रुपये की बिक्री हो जाती है तो 500-600 रुपया आमदनी कहीं नहीं गए। प्रिय दोस्तों मित्रों, कैसे हो आप? मैं तो यही आशा करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों मित्रों, टेक्सटाइल्स के बिज़नेस में, कपड़े के बिज़नेस में जो है कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं, कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं कि बगैर सीखे और बगैर अनुभव के मुताबिक बिज़नेस कर लेते हैं जो है, और जो है वो बिज़नेस में अपने परेशान रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि असमय ख़रीदारी कर लेते हैं, और असमय ख़रीदारी ये हुआ कि जैसे साड़ी की बिक्री का समय नहीं है तो साड़ी खरीद करके ले कर चले आए, रेडीमेड जीन्स पैंट शर्ट टी शर्ट की बिक्री का समय नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको खरीद कर ले करके चले आए। और जो है जो कपड़े के बिजनेसमैन होते हैं, जो कपड़े के दुकानदार होते हैं, वो मेल लगाते 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 थक जाते हैं और बोर सा हो जाते हैं जो है, और उनको जो है 2 पैसा आमदनी करने में बहुत दिक्कत होता है। तो आज मैं यही आपसे चर्चा करूंगा, यही बातें बताऊंगा कि कपड़े के बिजनेस कपड़े के दुकानदार पैसे को कैसे बचाएँ जो है, जिससे 2 पैसा बच सके जो है आसानी से जो है। ज़्यादातर देखा गया है कि जो छोटे बिजनेस दुकानदार होते हैं जो है, उनको ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि उनकी दुकान जो है बहुत कम चलती है जो है, और जो है जब कपड़ा की दुकान ओपन करते हैं तो 1-1.5 लाख-2 लाख रुपए पूंजी इन्वेस्ट कर देते हैं जो है, और दुकान कम चलती है, बेचारे उनको बहुत काफ़ी दिक्कत होती है और डीमोटिवेट वो बहुत जल्द हो जाते हैं जब उनकी दुकान नहीं चलती है। देखिए मैं आपको यही सलाह दूंगा, यही मशवरा दूंगा कि जो भी आप खरीदारी करिए, अगर आपके पास पूंजी कम है, पैसे कम है जो है, तो आप जो है अपने शहर के जो होलसेलर होते हैं, जो इलाके के होते हैं जो है, आप उनसे ही जो है ख़रीदारी करिए। मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगर आप अपने इलाके से, अपने शहर से ही ख़रीदारी करेंगे तो आपका ट्रांसपोर्ट भाड़ा वगैरह सब कुछ बच जाएगा। और आज के दौर में हिंदुस्तान में जो है, हिंदुस्तान के कोने कोने में, हर शहर में जो है, हर मार्केट में कहिए तो होलसेल के बिजनेसमैन, कपड़े के टेक्सटाइल्स के बिजनेसमैन, होलसेलर जो है पड़े हुए हैं। तो अगर आप उनका चुनाव कर लीजिए जो अच्छे दुकानदार, अच्छे बिजनेसमैन हैं, और अगर आप उससे उनसे चुनाव करके जो है आप इलाके से ही ख़रीदारी करके जो है अगर बिक्री करेंगे तो आप चाहेंगे तो जो है कम से कम लागत में जो है आपकी दुकानदारी भी हो जाएगी और आप आसानी से जो है 2 पैसा जो है बचाएंगे। अब इसमें देखिए, इसमें होता ये है कि 365 दिन में सिर्फ़ और सिर्फ 100 दिन ही ऐसा होता है जिसमें जो है दुकानदारी जो है अच्छी चलती है। तो आप अनुभव एक ये लगा लीजिए कि जब 365 दिन में, जैसे किसी पर्व का टाइम है, छठ वगैरह का पर्व है या फिर लगन का पर्व है जो है, 20-25 दिन लगातार लगन होता है, तो इस लगन के पर्व में जो आपकी अच्छी खासी बिक्री होती हो जो है, जैसे मान लीजिए आपके दुकान पे, आपके शॉप पे 8,000 रुपये 5,000 रुपये या 10,000 रुपये की बिक्री जो है, मतलब कि 20-30 दिन लगातार जो है अच्छी जो बिक्री होती है, उसी बिक्री में जो है आप जो है 2-2 हज़ार रुपये करके जो है पर डे जो है आप निकालिए और अपने परिवार के किसी सदस्य को जो है वो पैसा जो है डेली आप उनको देते जाइए जो है, आसानी से जो है 20-25 दिन में आपका जो है 50,000 रुपये जो है इकट्ठा हो जाएगा। इसमें पैसा बचाने में एक तरकीब ये भी आप लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए जो है आपकी पर डे की दुकानदारी 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 रुपये की है, तो आप जो है डेली कलेक्शन भी जो है होता है जो है, जैसे 50 रुपये का होता है डेली कलेक्शन, 100 रुपये का होता है, जो मार्केट के ही जो है कुछ जो है छोटे जो है बैंक वाले होते हैं जो है, जिसे आपसे डेली पैसा लेते हैं जो है,
और जो है उसको साल में जो है आपका पैसा इकट्ठा करके जो है वो आपको कुछ जो है ब्याज करके जो है कुछ एक्स्ट्रा करके आपको देते हैं जो है। तो आप जो है उनको भी जो है 50 रुपये का डेली या फिर 100 रुपये का डेली कर सकते हैं। अगर ये नहीं भी हो पा रहा है जो है आपसे, तो आप जो है सिर्फ अपने दिमाग में यही चीज़ रखिए कि कब बिक्री का समय है जो है। अब जैसे मान लीजिए आपकी बिक्री का समय आ गया जो है, 10 दिन आपके दुकान पे बिक्री हो रहा है जो है, अच्छी खासी बिक्री जो है उस समय 10 दिन हो रहा है, तो 10 दिन के बिक्री में जो है 1500 डेली आप निकालिए और किसी घर के एक पर्सन को जो है उसके अकाउंट में जो है उसको जो है 10 दिन वो पैसा जो है इकट्ठा करवा करके आप अकाउंट में जमा कर दीजिए। आसानी से जो है आपके हाथ में जो है कुछ भी पूंजी कुछ पैसा हो जाएगा जो है। एक हमारे सब्सक्राइबर साथी थे जो है, उन्होंने कमेंट किया था कि मैं आज 3-4 साल हो गया और जो है मैं दुकान किए जो, लेकिन जो है आज तक जो है पैसा जो है एक पैसा भी नहीं बचा पाया हूँ, अपने घर पे जो है एक पैसा भी नहीं दे पाया हूँ। तो बेचारे बहुत सस्पिशन में थे, बहुत डिस्टर्ब थे जो है। उनके मैसेज को मैं पढ़ा जो है तो मुझे लगा जो है, तो देखिए इस कपड़े के बिज़नेस बहुत बढ़िया कपड़े का बिज़नेस है। हर कस्टमर आता है तो 15% मार्जिन दे करके जाता है। अगर मान के चलिए कोई 200 रुपये का कपड़ा लिया तो आसानी से इसमें 30-35 रुपये बच जाना है। अगर आपके पास जो है 3000 रुपये की बिक्री हो जाती है तो 500-600 रुपया आमदनी कहीं नहीं गया है, तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा जो है। अगर डेली आपकी दुकानदारी अच्छी नहीं चलती है जो है, महीने में चलती है या फिर एक दिन दो दिन रुक करके चलती है, तो आप जो है एक तरीका बनाइए, जैसे मैं बता रहा हूँ कि काउंट कर लीजिए जो है कि आप जब 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 जो है बिक्री का समय आए जो है, एक अगर समझ लीजिए कि आम दिन में तो आपकी दुकान नहीं चलती है, लेकिन जब जब बिक्री का समय आता है तो आपकी दुकान जो है सबकी दुकान जो नहीं भी दुकान चलती है वो भी जो है उनके यहाँ भी कस्टमर उनके यहाँ भी ग्राहक आते हैं, तो उसी में जो है आप तरकीब बनाइए जो है। अच्छा ये चीज़ ये भी जान लीजिए आपकी, आपको ये नॉलेज में आपको ये चीज़ देखना होगा कि किस चीज़ के बिक्री का समय है जो है। जैसे मान लीजिए आप कपड़े के दुकानदार हैं तो आपके पास तो बहुत सारा प्रोडक्ट है, साड़ी है, सूट है, शर्टिंग है, सूटिंग है जो है, बेडशीट है, चदरा है, मच्छरदानी है जो है, अंडर वियर, गंजी, बनियान, सब कुछ जो है आप कुछ अगर रखते हैं, लेकिन इसमें भी आपको ये चीज़ गौर करना होगा कि कब कौन सा सामान बिक रहा है जो है। अब ऐसे कहिए कि मेल लगा के रखेंगे तो सारा जो है तो कभी ना कभी तो बिकवे करेगा, लेकिन उसमें एक ज़रूरी वक्त ज़रूरी टाइम होता है जो है। साड़ी के भी बिक्री के का एक ज़रूरी टाइम होता है, रेडीमेड कपड़े का भी बिक्री का एक ज़रूरी समय होता है, जो कि वो समय जैसे मान लीजिए शादी का समय है या फिर पर्व का टाइम है या फिर कोई फंक्शन वगैरह का टाइम है, तो उसमें कपड़े ज़्यादा बिकते हैं जो है। तो उस हिसाब से जिस समय कपड़े ज़्यादा बिकने का टाइम है, जो टाइम टेबल है जो है, उसी हिसाब से आप खरीदारी करिए। साड़ी के बिक्री का समय है आप शर्टिंग शूटिंग ला के रख देंगे जो है, अगर शर्टिंग शूटिंग के बिक्री का टाइम है आप साड़ी ला के रख देंगे जो है, कभी जो है बच्चों के कपड़े के बिक्री का टाइम है ही नहीं जो है, अब जो है आप गए और 30-40 हज़ार रुपये का एक ही किस्म का जो है बच्चे का कपड़ा जो है उठा करके ले करके आप जो है चले आए, तो इससे जो है आपके बिजनेस में आपके दुकान पर जो है आप इससे जो है आपको को नुकसान होता है, आपको 2 पैसा बच भी नहीं पाता है। तो आप हिम्मत रखिए जो है और जो है अक्ल से जो है बिजनेस करिए, सीख कर बिजनेस करिए जो है, किसी पुराने व्यापारी से, किसी दुकानदार से, अपने दुकानदार साथियों से राय मशवरा लीजिए जो है, और उनसे समझ समझ करके जो है अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपको आसानी से जो है 2 पैसा जो है बचता हुआ जो है नज़र आएगा।